हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यूएई टू इंडिया ट्रैवल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करूंगा। आप दुबई अबू धाबी शारजाह रसल खामी एयरपोर्ट से इंडिया के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या आरटीपीसीआर टेस्ट चाहिए अभी भी, अगर चाहिए तो किसे चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो किसे नहीं चाहिए, तो सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक्चुअली इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी लोगों में कुछ कन्फ्यूजन है, तो आज इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन मैं हटाऊंगा। देखिए दोस्तों, मैं आपके साथ छः पॉइंट शेयर करूंगा यूई टू इंडिया ट्रैवल रिलेटेड। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक ट्वीट भी किया है, ट्वीट का स्क्रीनशॉट स्क्रीन के ऊपर स्वीट होंगे, वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। और ये रूल सिर्फ एयर इंडिया एक्सप्रेस का नहीं है, जितने सारी एयरलाइन है, चाहे एमिरेट्स एयरलाइन, फ्लाई दुबई, चाहे इंडिगो, चाहे एथियड एयरलाइन, जितने सारे एयरलाइन है, तो रूल सबके लिए सेम है। मतलब जब कोई रूल बनता है तो रूल सबके लिए बनता है। तो अभी आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सिक्स पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए दोस्तों, फुल्ली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स, मतलब आपने वैक्सीन का दोनों डोज लिया है, चाहे आप इंडिया से वैक्सीन ले सकते हैं, आप यूएई से वैक्सीन ले सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फुल्ली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स यूएई टू इंडिया ट्रैवल करना चाहते हैं तो कोई आरटीपीसीआर टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब जिन लोगों ने वैक्सीन का दोनों डोज ली हुई है तो बिना आरटीपीसीआर टेस्ट आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने यूएई से वैक्सीन लिया है, बहुत सारे लोगों ने इंडिया से वैक्सीन लिया है, तो वैक्सीन का दोनों डोज जिन्होंने कंप्लीट किया है और लास्ट डोज, वैक्सीन का लास्ट डोज, सेकेंड डोज ट्रैवल से 15 दिन पहले होना चाहिए। मतलब फुल्ली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स बिना आरटीपीसीआर टेस्ट यूई टू इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं, किसी भी एयरपोर्ट से, दुबई, अबू धाबी, शारजाह, रसल खैमा, किसी भी एयरपोर्ट से, किसी भी एयरलाइन से। पॉइंट नंबर टू, वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे आप इंडिया से वैक्सीन लिया है, चाहे आप यूएई से वैक्सीन लिया है, तो वैक्सीन सर्टिफिकेट विथ क्यूआर कोड और सर्टिफिकेट एयर सुविधा पोर्टल में अपलोड करना है ट्रैवल से पहले, मस्ट। नंबर थ्री, बाकी जितने सारे पैसेंजर्स हैं, मतलब जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स, तो बाकी जितने सारे पैसेंजर्स आए, बहुत सारे लोगों ने अभी भी वैक्सीन नहीं लिया है, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन के एक डोज लिया है, तो बाकी जितने सारे पैसेंजर्स आए, ट्रैवल से 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर टेस्ट करना है और एयर सुविधा पोर्टल में भी आरटीपीसीआर टेस्ट का जो रिजल्ट अपलोड करना है, क्लियर। पॉइंट नंबर फोर, ऑल पैसेंजर्स, मतलब आप वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स आए, आप अनवैक्सीनेटेड पैसेंजर्स आए, तो ऑल पैसेंजर्स को ट्रैवल से पहले 72 घंटे के भीतर अपना सारा डिटेल एयर सुविधा पोर्टल में अपलोड करना होगा, प्लस लास्ट 14 डेज, लास्ट 14 दिन का ट्रैवल हिस्ट्री एयर सुविधा पोर्टल में अपलोड करना होगा। पॉइंट नंबर फाइव, जो लोग ये जो सारे नियम हैं, नियम का उल्लंघन करेंगे, एयर सुविधा पोर्टल में आप अगर कुछ अपलोड नहीं करते हैं, तो मतलब जितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने पहले बताया, अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको बोर्डिंग पास नहीं दिया जाएगा, आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर सिक्स, जब आप इंडिया पहुंचेंगे, इंडिया लैंड करने के बाद, जब मतलब एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, ऑल पैसेंजर्स, सब पैसेंजर्स को थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा। तो थर्मल स्क्रीनिंग में अगर मतलब किसी को कुछ डिटेक्ट होता है तो अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट रूल ट्रीट किया जाएगा। और 5 साल के नीचे, 5 साल के नीचे जितने सारे चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट से छूट दिया गया है। तो ये है 6 पॉइंट जो आप सबको जानना जरूरी है। देखिए, जो मेन पॉइंट है आरटीपीसीआर टेस्ट, फुल्ली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स को आरटीपीसीआर टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं होगी यूई टू इंडिया ट्रैवल करने के लिए। मतलब यूई टू इंडिया आप जाना चाहते हैं, दुबई, अबू धाबी, शारजाह, रसल खैमा, किसी भी एयरपोर्ट से, किसी भी एयरलाइन से, किसी भी एयरलाइन कंपनी, किसी भी एयरपोर्ट से यूई का, अगर आप वैक्सीनेटेड है, वैक्सीन का दोनों डोज ली हुई है, तो आरटीपीसीआर टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। और वैक्सीन का लास्ट डोज, सेकेंड डोज ट्रैवल से 15 दिन पहले होना चाहिए। हाँ,
जो लोग अनवैक्सीनेटेड है, वैक्सीन की बहुत सारे लोग आए अभी भी वैक्सीन नहीं लिया है, बहुत सारे लोग आए अभी भी वैक्सीन का एक डोज लिया है, तो अनवैक्सीनेटेड पैसेंजर्स को आरटीपीसीआर टेस्ट चाहिए ट्रैवल से 72 घंटे के भीतर, और एयर सुविधा पोर्टल भी आरटीपीसीआर टेस्ट का जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बाकी जो लोग वैक्सीनेटेड आए, आपका भी वैक्सीन सर्टिफिकेट जो क्यूआर कोड वाला वैक्सीन सर्टिफिकेट एयर सुविधा पोर्टल में अपलोड करना है। तो ये है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मैं आशा करूँगा आप समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देखिए लोगों में अभी भी कन्फ्यूजन है, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।